दोस्तों दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करें। दोस्तों दोस्ती मोटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग कल लाइव आने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया है। जावेद भाई अभी है नहीं, जावेद भाई थोड़ा बाहर गए हुए हैं, उसके वजह से हम लोग कल लाइव नहीं आएंगे, सोमवार को लाइव आएंगे। तो सोमवार को आप लोग सबको सबसे माफ़ी मांगते हैं हम लोग कि कल लोग प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, हम लोग कल लाइव नहीं आ सकते हैं। सोमवार को आपको लाइव आके आप जो भी प्रोग्राम है जैसे हम लोगों ने बताया था वैसे हम लोग गिफ्ट हम सबको गिफ्ट देंगे। वो क्या हम लोग जो बताया था आपको लकी ड्रॉ करके जिसका नंबर आएगा उसको हम लोग गिफ्ट बांटेंगे। तो दोस्तों आप लोगों का नंबर आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा ताकि हम लोग आसानी हो नंबर को कलेक्ट करके बॉक्स में डालने का। जितना नंबर होगा उतना अच्छा मज़ा आएगा हम लोगों को, आपको भी मज़ा आएगा देखने में। तो अभी बहुत कम लोगों ने किया है अभी नंबर, तो जल्दी से जल्दी नंबर डालिए कमेंट बॉक्स में। और हम लोगों ने तारीख इसके लिए डेट इसके लिए बढ़ा दी है क्योंकि जाहिद भाई गए हैं बाहर ट्रेनिंग में, बड़ा दोस्त BS6 का ट्रेनिंग में गए जाहिद भाई, तो उसी वजह से हम लोग सोमवार का रख दिए। और संडे को शाम को जाहिद भाई आ जाएंगे तो हम लोग सोमवार को लाइव आएंगे। और दोस्तों अभी भी जो भी स्पेयर पार्ट अभी जा रहा है मंगवा रहा है, अभी आज कल भी हम लोगों का कम से कम 10-12 पैकेट का गया, आज भी 4-5 पैकेट जा रहा है, तो सब में हम लोगों ने 10% डिस्काउंट कर दिया है। लेकिन हम लोगों के पास अभी गिफ्ट जो हम लोगों ने दिया हुआ ऑर्डर दिया हुआ है वो सरप्राइज है, अभी बताएं कल को मंडे को आपको लाइव में बताएंगे, वो अभी आया नहीं। जो भाई सब का जो ऑर्डर चला गया है 10% डिस्काउंट लेकर चला गया है, लेकिन उनका अभी गिफ्ट बाकी है। जैसे गिफ्ट आएगा हम लोग उनका तुरंत रवाना करेंगे गिफ्ट उनको, और 10% ऑलरेडी हम लोग दे रहे हैं अभी। तो आप लोगों का कोई ऑर्डर हो तो अभी आप हमें दे सकते हैं ऑर्डर, तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका गिफ्ट भी मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों चलिए उसको ऑर्डर दीजिए, कोई भी सामान आपका ज़रूरत हो ना मिलता हो ऐसा कोई इमरजेंसी आइटम हो नहीं मिलता हो आप जहाँ पे, तो आप हमें ऑर्डर कीजिए, हम माल उसका तुरंत रवाना करेंगे और उसके साथ में गिफ्ट भी रवाना करेंगे। और भाई आपको अगर पूछ रहे हैं सामान के लिए तो कमेंट बॉक्स में ना डाले बिल्कुल, अगर आपको पूछ रहे हैं तो बस भाई का नीचे नंबर दिया हुआ है उससे आप पूछ सकते हो और मंगा सकते हो। तो फालतू का मतलब ऐसा अगर आपको लेना है तो ही आप कॉल करिए, नहीं तो बहुत लोगों के ऐसा फ़ोन आते हैं भाव पूछ के भाई रख देते हैं फ़ोन। अगर आपको ज़रूरी है लेना तो फ़ोन करिए, आपको सब डिटेल आपको बस भाई दे देंगे, कब आएगा आपको माल, कब निकलेगा यहाँ से, कितने का प्राइस है और कितना चार्ज आपको लगेगा। तो भाई बिल्कुल मेहरबानी करके ऐसा फ़ोन ना करें फालतू, जो आपको ज़रूरत है तो ही आप फ़ोन कर सकते हो भाई। अगर आपको कमेंट बॉक्स में ना डालें क्योंकि हम लोग कमेंट बॉक्स में आप ये प्राइस डालते हो कितने का आएगा भाई, कितने का आएगा कुछ बताइए, तो हम लोग नहीं बता सकते भाई डायरेक्ट। अगर आप कॉल करेंगे तो तभी हम लोग आपको बताएंगे, नीचे नंबर दिया हुआ है अब्बास भाई का इसीलिए तो दिया हुआ है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में खाली अपना नंबर डालिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आपका नंबर डाल दीजिए ताकि हम लोग आगे उसका नंबर नोट डाउन करके लकी ड्रॉ में डालेंगे। और एक बात है दोस्तों, अगर सामान आपने ऑर्डर कर दिया है तो उसको वापस मत भेजिए, क्योंकि कभी कभी क्या सामान ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कभी लेट हो जाता है, तो समझ लीजिए आपको लेट हो गया सामान, आपका कहीं से अरेंज कर लिया है तो आपने मेरा सामान वापस कर दिया, मैंने तो आपके कहने से सामान भेज दिया, ठीक है, अपना जो कुरियर चार्ज लगा वो लगा के भेज दिया मैंने आपको। जब सामान वापस आता है उसमें अपना नुकसान होता है, जो चार्ज मैंने लगाया है कुरियर चार्ज वो अपने को डबल देना पड़ता है भाई, हमारे भी ये डबल नुकसान होता है भाई। हाँ, क्योंकि कुरियर चार्ज वाले को हमको डबल देना पड़ता है, फिर जाने का भी चार्ज लगता है और फिर आने का भी चार्ज लगता है। तो मेहरबानी करके भाई मैं आपको बोलता हूँ कि रिटर्न ना करें, अगर आपको मंगवाना है तो ही ऑर्डर करें, क्योंकि हमारा भाई बहुत डबल चार्ज लग जाता है। तो आप सोच समझ के मंगाइए, जो भी आपको एक बार पूछ लो अब्बास भाई से, थोड़ा अब्बास भाई इनको थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा बोल देने का, कुरियर चार्ज कुरियर वाले भी थोड़े लेट सर्ट हो जाते हैं भाई, एक दो दिन लेट हो जाता है जाने आने में।
तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको रिटर्न ना करें भाई, मेहरबानी करके, क्योंकि हमारे को डबल चार्ज लग जाता है, फालतू का लगता है भाई, आप लेते नहीं है, उल्टा हमारे को जेब से डालना पड़ता है वहाँ पैसा, तो मतलब नहीं है फिर आप ऑर्डर करोगे, हम आपको कुरियर भेजेंगे, तो मतलब नहीं, हमारा नुकसान होगा भाई। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, अगर मंगवाना है तो कम करके मंगवाइए। मैं टाइम बोल देता हूँ कि भाई इतना टाइम लगेगा, 7 दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा, तो अगर 8 दिन लगेगा, अगर आपको मंगवाना है, 8 दिन वेट करने का आपका है तो मंगवाइए। अगर नहीं मंगवाना, कहीं से अरेंज कर लिया, मेरा सामान किया, मेरा सामान वापस कर दिया, वैसा मत कीजिएगा। वैसा करने से क्या अपना नुकसान होता है, फिर उसको क्या जो जरूरतमंद उसको सामान जो जिसको देना होता है उसका हम लोग का मन टूट जाता है कि भाई सामान ऐसा होता है, तो फिर सामान अभी कैश ऑन डिलीवरी उसका कम कर दे। लेकिन नहीं, और सब बहुत सब जो बंदे हैं उसका रिक्वायरमेंट रहता है, कोई सामान नहीं मिलता उसको भेजना पड़ता है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी भेजना पड़ता है, लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा ऑर्डर मत कीजिए, जो परफेक्ट आपको चाहिए तभी ऑर्डर कीजिए, और मंगवाने के बाद में सामान वापस मत कीजिए। ये और भाई जो सामान रिटर्न करता है उसको दूसरी बार ऑनलाइन पेमेंट करके हम लोग भेजेंगे, वो कैश ऑन डिलीवरी उसको नहीं भेजेंगे। जो रिटर्न जो सामान करता है, जो नहीं लेता है कैश ऑन डिलीवरी, तो हम लोग उसको दूसरी बार अगर ऑर्डर करता है तो हम लोग उसको उससे ऑनलाइन पेमेंट मंगाएंगे तो ही उसको सामान भेजेंगे भाई। और जो एक्सेप्ट करता है कैश ऑन डिलीवरी तो हम उसको रेगुलर भेजेंगे भाई कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि भाई हमारा नुकसान होता है उसमें, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। नहीं, जो सामान जानबूझ के रिटर्न करेगा उसको नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन भी सामान नहीं भेजेंगे, कैश पेमेंट में भी सामान नहीं भेजेंगे, उसको सामान नहीं भेजेंगे। हाँ, उसको अगर पैसा देगा, 5,000 भी देगा तो उसको माल नहीं भेजेंगे हम लोग। हाँ, ये बात भी सही, जानबूझ के वापस करता है। हाँ, जो जानबूझ के नहीं करता, जिसको परेशानी, जैसे कि आपका समझ लीजिए कुरियर आपसे 5 दिन लेट पहुंचा, तो फिर वो आपको सामान लेने का जरूरत नहीं है फिर आपका, वो आपका नुकसान, भले हम लोग का नुकसान कर लेंगे लेकिन आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कुरियर टाइम से पहुँच रहा है आपको, और फिर पहुँचने के बाद आप बोल लोगे भाई माल नहीं चाहिए, हम लोगों को माल ले लिया है, तो वैसा करने से फिर क्या होगा, हम लोगों का वो नंबर हम लोग हमेशा नोट करके रखते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ, एक बंदा का ऐसा हुआ था, उसने दूसरे मोबाइल से फ़ोन किया, दूसरे मोबाइल से उसको एड्रेस दिया, लेकिन हम लोगों को मालूम पड़ गया कि ये बंदा वही है, तो हम लोगों ने उसको माल नहीं भेजा। तो ऐसा आप मत कीजिए, ऐसा बहुत रेयर केस होता है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो सोच समझ के कीजिए, और अगर नहीं करना है तो मत कीजिए। और उसमें ऐसा होता है, एक की वजह से ना 100 लोगों का नाम खराब होता है, तो इसके लिए मेहरबानी करके एक लोग जो है वो भाई मेहरबानी करके ऐसा ना करें बिल्कुल, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे का भी नाम खराब होगा, और जो नुकसान हो रहा है वो तो होगा ही होगा भाई, और प्लस आपका भी नाम खराब होगा। तो दोस्तों इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये सोमवार को जरूर आइए लाइव, क्योंकि हम लोगों ने जाहिद भाई की वजह से टाइम बढ़ा दिया है, उनका ट्रेनिंग में गए हुए, वो बड़ा दोस्त, BS6 का ट्रेनिंग है उनका, तो वो जाएंगे संडे को आएंगे, वो रात को, संडे को आने के बाद हम सोमवार को लाइव करेंगे, फिर उसके बाद जाहिद भाई के आने के बाद जो भी है प्रोग्राम हम करेंगे, मंडे को प्रोग्राम करेंगे, तो मंडे को आप जरूर लाइव में आइएगा। मंडे को भाई पक्का ही है, क्योंकि संडे को शाम को जाहिद भाई आ रहे हैं, सोमवार को तो हम पक्का ही करने वाले हैं। जाहिद भाई का हमको फ़ोन आया था भाई, सोमवार का रखो, मैं संडे को शाम को आऊँगा, शाम तक आ जाऊँगा, सोमवार का आप रख दो, मैं भी रहूँगा शाम। दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और नीचे लिंक दिया हुआ है वीडियो का, वो वीडियो में जाके आपको, अगर आपको पता नहीं होगा, वो वीडियो में जाके आप मोबाइल नंबर और नाम के साथ कमेंट करिए, और आपका जो भी है एड्रेस वो हम आपको पूछ लेंगे, आपका अगर आपका गिफ्ट रहेगा तो, अगर आपका लकी ड्रॉ में आपका नाम, आपका नंबर आ गया तो आपको उस नंबर में हम कॉल करेंगे, तब आपसे एड्रेस लेंगे, फिर एड्रेस दे के आपको गिफ्ट को पैक करके आपको आपके पास भेज देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, तो चलते अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, कुछ नया लेके, कुछ नया कुछ सीखने वाला, आपको सिखाने कुछ सीखने मिलेगा, ऐसा कुछ टॉपिक लेके आते हैं। तो दोस्तों
ट्रेनिंग तो हम दोनों का ही था, जाहिद भाई का और मेरा, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए हम लोगों ने जाहिद भाई को बोल दिया कि आप चले जाओ। तो अभी जाहिद भाई गए हैं, आप लोग दुआ करो कि जाहिद भाई सक्सेस सर्टिफिकेट लेके आए साथ में। सौ में से 90% 99% आना चाहिए जाहिद भाई का। आप लोग दुआ करिए, BS6 का उनका ट्रेनिंग है, कर दीजिए सर, एग्जाम रहता है वहाँ पे, तो आप लोग दुआ करिए, डाल दीजिए। जाहिद भाई के आने के बाद फिर मैं जाऊँगा, और कुछ चीज़ जैसा बुलावा रहेगा वैसा। तो इसलिए हम लोगों ने सोमवार का रख दिया है। आज सुबह में कंपनी वालों को फोन आया था, तो इसके लिए हम लोगों ने सोचे कि भाई लाइव का टाइम, गिफ्ट का टाइम थोड़ा और बढ़ा दे। जाहिद भाई का भी फोन आया था कंपनी में से, तो भाई मैं शनिवार को आऊँगा, सोमवार का आप रखो, हम साथ में करेंगे तो ही मजा आएगा। ये बात सही है भाई, वो रहेगी तभी मजा आएगा, पूरा स्टाफ रहेगा तभी मजा आएगा, अगर एक जन भी अगर कम रहेगा तो भाई कोई मजा नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड है जावेद भाई, हाँ, अगर एक जन भी कम रहेगा तो भाई मजा नहीं आएगा। इसके लिए हम सब ने ये सोचा सोमवार का रख देंगे, अभी शनिवार को, संडे को तो आ ही जाएगा जाहिद भाई, सोमवार को तो फाइनल है भाई। तो दोस्तों अब तक इंजॉय कीजिए, मास्क पहनिए और कोरोना से डरिए, ठीक है सर। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार। चलिए दोस्तों।